भारत और वेस्ट इंडीज के बीच सीरीज का तीसरा वनडे कल पुणे में। टीम इंडिया के सामने वेस्ट इंडीज की सीरीज में वापसी रोकने की चुनौती। बुमराह और भुवनेश्वर की वापसी से धारदार हुई भारत की पेस। पैट्री वेस्ट इंडीज के बैटिंग पावर को देखते हुए दोनों को वापस बुलाया गया। वेस्ट इंडीज के खिलाफ 3 T20 और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान आज रात 8:30 बजे। नए खिलाड़ियों को आजमा सकते हैं भारत। और जोधा ट्रॉफी में शतक जमाने के बाद शुभमन गिल की आज तक से खास बातचीत। कहा, जल्द से जल्द भारत के लिए खेलने का है मेरा सपना। नमस्कार, गुड इवनिंग, मैं हूं विक्रांत गुप्ता। अब सवाल यह है कि तीसरा वनडे मैच कल 1:30 बजे पुणे में खेला जाएगा। पहला मैच भारत ने जीता, दूसरा मैच टाई हो गया। सवाल यही है, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। हालांकि भारत के अव्वल गेंदबाज बुमराह और भुवनेश्वर कल वापस आ जाएंगे, आपको कल वो गेंदबाजी करते दिखेंगे। लेकिन कुछ कमजोरियां हैं भारत की, उनमें से एक है गेंदबाजी, दूसरी है मध्यक्रम की बल्लेबाजी जिसमें महेंद्र सिंह धोनी का नाम सबसे ऊपर है। तो ऐसे तो ना भारत का काम चलेगा और शायद ऐसे माही का काम भी नहीं चलेगा। तो आज बातचीत होगी दो मेहमान, मदन जी और निखिल, दोनों रहेंगे स्टूडियो में। लेकिन पहले तो ये देखिए ना, आंकड़ों के जरिए कैसे अब भारत के लिए वक्त जो है वो एक बड़ा खेल बन गया है। जल्दी करना है सब कुछ, वक्त नहीं है। तो वेस्ट इंडीज पहले मैच में 322 बनाता है, भारत आराम से चेज करता है, हमें लगता है कि यार ऐसे ही चलेगा। फिर उसके बाद भारत अगले मैच में जानबूझकर शायद अपने लिए मुश्किल परिस्थितियां चूज करता है कि चलो हम ओस में गेंद करेंगे, उसमें भारत फेल हो जाता है। सवाल तो है नहीं, देखिए सवाल तो है, पर यह है कि देखिए जितना ज्यादा अच्छे मैचेस होंगे उतना इंडिया के लिए फायदा ही है। सीरीज आप कह रहे हैं मैचेस नहीं होने चाहिए, टफ मैच हुआ वेरी गुड, दैट्स व्हाट आई बिलीव कि मैं चाहता हूं कि ऐसे मैच, क्योंकि इससे ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ सकता है। हाँ, ये बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि उस इधर का उधर ना हो जाए, इधर का उधर ना हो जाए, ये बड़ा बड़ा जरूरी है। उसके लिए आपका आपके जो बाकी प्लेयर्स हैं उनको स्टेप अप करना पड़ेगा, क्योंकि आपके बल्कि जो रन बना रहे हैं वो बना रहे हैं नंबर 1, 2, 3, 4, ये जो चार नंबर है जो हमारे टॉप के परफॉर्मर है, यही अभी तक आपको 1, 2, 3 था, 4 ने भी बना दिए। हाँ, बना दिए। और उसके बाद जो ये है बाकी 5, 6, 7 इनके थोड़ा सा इनको फॉर्म में आना पड़ेगा। देखिए जब जितना भी मौका मिले, ये नहीं है कि हमें मौका नहीं मिला, हमने कम ओवर है, जितना भी मौका मिले आपको रन बनाने ही बनाने हैं, और आपकी टीम को वहां पे लेके जाना जहां पे आप सोच सके हाँ हम मैच को जीत सकते हैं। वेस्ट इंडीज का एडवांटेज क्या हो जाएगा, उनको 1.5 महीना हो गया इस इंडिया में आए हुए, तो थोड़े से वो भी यूज टू हो रहे हैं, और उनकी आप डिफरेंस देखिए बैटिंग में बहुत ज्यादा डिफरेंस आया हुआ है और काफी आत्मविश्वास से खेल रहे हैं। बिल्कुल, तो वो उनके 2-3 प्लेयर तो फॉर्म में आ चुके हुए हैं। अब मैं समझता हूँ कि भारत को थोड़ा सा चुकन्ना रहना। और निखिल तो वहां पे थे, आप तो कमेंट्री कर रहे थे, मैदान से देख कर आए, हम तो टीवी पर देख रहे थे। लेकिन वेस्ट इंडीज के कोच ने आज कहा है कि भारत के जो मैनेजमेंट है वो दबाव में थी, किस तरह से वेस्ट इंडीज ने बैटिंग की है, इसीलिए भुवनेश्वर और बुमराह को रिकॉल किया गया। सही है, मैं नहीं मानता भारतीय टीम कोई दबाव में थी। अगर आप मैदान में उनकी शारीरिक भाषा भी देखें, टाई होने के बाद भी चेहरे पे मुस्कुराहट थी, क्योंकि टॉस जीतने के बाद विराट कोहली जो चाहते थे उस मैच से उनको मिला। हाँ, अंत में शायद जीत नहीं मिली, लेकिन कठिन परिस्थितियों के हिसाब से वो अपने बॉलर्स को ट्राई करना चाहते थे कि बॉल जब गीला हो जाएगा क्या आप डिफेंड कर सकते, क्योंकि अगर आप टॉस हार जाते हैं तो हर भारतीय टीम हमेशा देखते हैं, कोई भी टीम आती है विपक्षी टीम, वो पहले गेंदबाजी करते हैं और फिर वो चेस करना आसान हो जाता, बॉल गीला होता है, बॉलर के लिए बहुत मुश्किल होता है। और भारत 3 स्पिनर खिला रहा था, यानी कि 30 ओवर स्पिन के गीले बॉल के साथ। सबसे बड़ी चीज़ है ये जो 4-5 मैचेस हैं, मेरे ख्याल में 16 रह गए विश्व कप से पहले। विक्रांत भाई, फ़र्क ये है कि वर्ल्ड कप के ऑडिशन के खिलाड़ी जो है 4 नंबर के स्थान पर, अच्छा है कि अंबाटी रायडू रन बना रहे हैं, आपके पास भुवी और बुमराह सेट है, आपको तीसरा और चौथा तेज गेंदबाज कौन होगा,
वो ढूंढ रहे हो आप? रविंदर जडेजा के लिए भी जिस गति से वो बॉलिंग कर रहे हैं, इस गति से मुझे नहीं लगता है भारतीय टीम उनको सही बात के लिए लेके जाएगी। बिल्कुल, देखते देखते एकदम वो जडेजा बाहर थे, फिर वो आए, एशिया कप में का जबरदस्त परफॉर्मेंस हुई और हमें लगा वाह जडेजा ने तो अपनी जगह जो है वापस ले ली। लेकिन फिर से वही सवाल है, लेकिन एक बड़ा सवाल जो भारत के ड्रेसिंग रूम के सामने, टीम के सामने वो बार बार दिख रहा है, वो है महेंद्र सिंह धोनी का सवाल। क्योंकि इस साल में छक्कों के बादशाह ने सिर्फ 2 छक्के लगाए हैं और कहीं ना कहीं अगर आप उस 16 मैचों की बात कर रहे हैं तो वक्त और वो मियाद आहिस्ता आहिस्ता उनके लिए भी कम होती जा रही है। विशाखापट्टनम वनडे 35वां ओवर, भारत 179 रन 3 विकेट के नुकसान पर, रन रेट 5.53। महेंद्र सिंह धोनी, आप मैदान में थे, एक छक्का उन्होंने मारा था साउथ अफ्रीका में, एक मारा उन्होंने परसों, लेकिन अभी भी वो जो कहते हैं ना कि मतलब फियरलेस क्रिकेट, वो उनके बल्ले से नहीं दिख रही। क्या टीम मैनेजमेंट चिंतित है या चिंता सिर्फ हमें है और वाजिब नहीं है? नहीं, मेरे ख्याल में महेंद्र सिंह धोनी को भी चिंता होगी, जिस अंदाज से वो बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं उस अंदाज से वो बैटिंग नहीं हो रही। अगर आप पिछला मैच ही देख लें, जितना टाइम उनको था मैदान में, वो दुर्भाग्य की बात है कि उस दिन वो आउट हो गए। मेरा बहुत बड़ा मानना है, जैसे आप कह रहे हैं कि वेस्ट इंडीज़ के थिंक टैंक सोचते हैं कि आप बुमराह और भुवनेश्वर को वापस लेके आए कि भारतीय टीम डर गई है। आप जब तक लगातार मैचेस खेलते नहीं रहेंगे, आपकी कला जो है ना वो कहते हैं कि जंग लग जाती है। मैं मानता हूँ कि डोमेस्टिक क्रिकेट में चाहे 4 दिन का खेल है, महेंद्र सिंह धोनी को 4 दिन का भी खेल खेलना ही होगा। जब तक आप जितना समय बिताएंगे पिच पे, रन बनाएंगे, तभी आप आत्मविश्वास विश्वास के साथ वो शॉट्स खेल सकते हैं। सही बात है, लेकिन सिर्फ एक फॉर्मेट में आगे बिकने में नहीं, बड़ा मुश्किल हो जाता है। सही बात है। और फिलहाल ये है ना कि विराट कोहली अब जिस तरह बैटिंग कर रहे हैं, मतलब हर रोज 100 नजर ना लगे, यहाँ पे आसपास लकड़ी नहीं है, लकड़ी ढूंढ रहा हूँ, खैर नजर ना लगे, पहले मैच में 100, दूसरे मैच में 100, हमें तो तीसरे में भी 100 ही चाहिए। 100 एक और 100 तो और बनाएगा अभी तो मेरे ख्याल से 3 मैच है, 3 वनडे मैच बड़े हैं, पर वो अच्छी फॉर्म में भी चल रहे हैं और कल पूना वाला विकेट है तो आप एक्सपेक्ट करिए कि ये 100 हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि बैटिंग की खास बात है कि वो रिस्क नहीं लेते। रिस्क देखिए, यही ना, रिस्क लिए 100 बनाना, यही तो ग्रेटनेस है। जो 100 है वो चौके छक्के से नहीं बनता, बिल्कुल वो सिंगल से डबल से ऐसे बनता है। और आपकी जो रणनीति उन्होंने उसने बनाई है वो सबसे बेस्ट है। देखिए आप ऐसा ऐसा रन बनाते हैं, ऐसा नहीं है कि वो रन स्कोरबोर्ड को रोकते हैं, उनको रन बनाते चले जाते हैं, लास्ट में आगे जो एक्सेलरेट करते हैं वो बाय द टाइम जब वो खड़ा, जब रन बना लेता है फिर उसके बाद तो कहीं भी मार सकता है। लास्ट टाइम उन्होंने ऐसा ही किया, 100 के बाद 150 एकदम उन्होंने पकड़ा, और इसीलिए तो भारत 321 तक पहुंचा था, नहीं तो आप लटक गए थे। तो अब देखिए आपका स्कोर 305-7 भी बड़ी मुश्किल बनना आपको था। उसके ऊपर ज्यादा हमें डिपेंड तो करते ही हैं, पर बाकियों का भी तो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और ये बहुत जरूरी है। देखिए बाकी जो बल्लेबाज हैं कि ये कम से कम ये स्कोर 340-50 होना चाहिए था जैसे हमारा चल रहा था। जो फर्क रहा है बैटिंग में, और ये कप्तान जानते हैं कि आखिरी 10 ओवर में एक सेट बैट्समैन रहेगा तभी भारत आखिरी 10 ओवर में 100 रन बना सकता है। आखिरी 10 में 100 जो बने, 68 रन एक तरीके से उनके बल्ले से निकले, 3 छक्के 100 के बाद मारे हैं विराट कोहली ने, तो समझते हैं कि एक सेट बैट्समैन का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप 6 नंबर पे ऋषभ पंत को नया बैट्समैन है उनको ट्राई कर रहे थे, हालांकि एक ऑडिशन के तौर पे ऋषभ पंत का एक आइडियल कंडीशन थी कि 10 ओवर का खेल बाकी था और उनको बैटिंग का मौका था। जो सिचुएशन ऋषभ पंत के लिए होनी चाहिए थी वो थी। खैर धोनी ऋषभ पंत ये 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जो मैच को बदल सकते हैं, धोनी ने किया है, ऋषभ पंत को करना है। लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक पर आपको लाइव 8:30 बजे से प्रेस कॉन्फ्रेंस मिलेगी, क्योंकि आप जानते हैं 3 T20 मुकाबले वेस्टइंडीज के खिलाफ उसकी टीम का चयन होना है और ऑस्ट्रेलिया में जो पहले 3 T20 खेले जाएंगे उसकी टीम का भी ऐलान होना है, मतलब ऑस्ट्रेलिया का बिगुल भी आज बजेगा। तो आपको आना है YouTube पर स्पोर्ट्स तक पर, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे 1 तो 8 बजे ये बहस का मुद्दा रहेगा कि भूवी और बुमराह के आने से कितनी धारदार होगी गेंदबाजी, और दूसरा 8:30 बजे लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको सिर्फ स्पोर्ट्स तक पर मिलेगी। आप सीधा सुन सकते हैं कि भाई किस खिलाड़ी को टिकट मिल रही है T20 की, कौन ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है। आपके सवाल भी लिए जाएंगे, 8 बजे बहस भी रहेगी।